आरक्षण से कौन सी जातियां बाहर। सुप्रीम कोर्ट में नौकरी शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन पर सुनवाई। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने रिजर्वेशन पर क्या कह डाला। पिछड़ी जातियों के जो लोग रिजर्वेशन यानी आरक्षण के हकदार थे और उससे लाभान्वित हो चुके हैं, उन्हें अब रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसी जातियां जो रिजर्वेशन के लाभ से आगे बढ़ चुकी हैं, उन्हें अपने से ज्यादा पिछड़ों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? पहले की दो बातें और उससे जुड़े सवाल बेहद अहम है। ये दोनों बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसे तो सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच के एक जज जस्टिस विक्रमनाथ ने कही है। रही बात सवाल की, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की इन बातों को सुनकर अपने आप आपके जहन में ये सवाल नहीं उठ रहे? चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर जस्टिस विक्रमनाथ ने ऐसा क्यों कहा है? सबसे पहले जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में उस कानूनी सवाल पर चर्चा शुरू हो चुकी है जो कि एजुकेशनल संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने के लिए SC और ST में उपवर्गीकरण के अधिकार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ इस पर सुनवाई शुरू कर चुकी है। इस पीठ की अगुवाई CJ DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। सुनवाई के पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि वो 2004 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वैधता की समीक्षा करेंगे जिसमें ये कहा गया था कि राज्यों के पास रिजर्वेशन देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आगे चलकर सब क्लासिफाइड करने का अधिकार नहीं है। इस सुनवाई में पंजाब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल गुरविंदर सिंह ने अपनी दलीलें पेश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि इन जातियों को बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। आपके मुताबिक एक खास वर्ग में ही कुछ सबकास्ट ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वही उस क्लास में सबसे आगे है, क्या उन्हें बाहर आकर जनरल कैटेगरी से मुकाबला नहीं करना चाहिए? पिछड़ों में जो अभी भी पिछड़े रह गए हैं उन्हें रिजर्वेशन का लाभ मिलने दें। लेकिन एक बार जब आप रिजर्वेशन पाकर उससे लाभ ले चुके हैं तो क्या आपको उससे बाहर नहीं आ जाना चाहिए? जस्टिस विक्रमनाथ की इस टिप्पणी पर एडवोकेट जनरल गुरविंदर सिंह ने कहा कि उद्देश्य भी यही है, अगर वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है जिसके लिए उसे रिजर्वेशन मिला है, उसे अब समाप्त हो जाना चाहिए। वहीं 7 जजों की इस संवैधानिक पीठ की अगुवाई कर रहे CJ DY चंद्रचूड़ ने भी साफ लहजे में कहा कि ये केवल क्वांटिटिव डेटा से जुड़े तर्कों में नहीं देनी होगी, जिसकी वजह से पंजाब सरकार को कोटे के भीतर भी 50% का कोटा देना पड़ा था। CJ चंद्रचूड़ ने कहा कि पंजाब सरकार को 2 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहला ये कि क्या एक्चुअल इक्वलिटी की धारणा पिछड़े वर्गों के लोगों की अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग की पहचान करने की अनुमति देती है। वहीं दूसरा ये कि क्या संघीय ढांचा जहां संसद ने हर जाति और जनजातियों को नॉमिनेट किया है वो भारत के राज्यों पर छोड़ देता है कि वो इलाके में हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लाभ के लिए नॉमिनेट करें।